आज मैं जोशी जी को पूछूंगा पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर को, आज वो खड़े होकर क्यों नहीं कहते सदन में, जैसे अधीर रंजन चौधरी के मामले में उन्होंने बोला, क्यों नहीं कहते कि विधुरी का निष्कासन होना चाहिए। विधुरी के ये शब्द इस देश के तमाम मुसलमानों को संदेश है कि पार्लियामेंट के अंदर भी पटल पर भी मुस्लिम नेताओं के साथ हम क्या व्यवहार कर सकते हैं, हमारा कुछ भी कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। जो आपने इंडोनेशिया में यूक्रेन और रशिया के बारे में बोला युद्ध के बारे में, अपने भूमि पे क्यों डर गए? क्यों नहीं बोला? क्योंकि रशिया और चाइना से डर गया। नरेंद्र मोदी के आसपास बैठे हुए लोग और उनका गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को एक दिन बर्बाद कर देगा, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूं। हिंदुओं को खालिस्तान में वार्निंग देने के बाद डोवाल, शाह और अमित और मोदी जी ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ये तीनों निकल गए हैं मोटरसाइकिल पर बैठ के और जाकर ठोक के आएंगे। दन 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 दन। फिल्म देख रहे हो आप क्या? अमेरिका भारत से डरता है? अमेरिका ने तो भारत की स्थिति बना दी है कि चाइना के सामने भारत को रख के शेर का शिकार करना चाहते हैं और सामने बकरी बनकर भारत को बना दिया है। कल शेर ने शिकार हो गया तो शेर का शिकार, नहीं तो बकरी को तो जाना ही है शेर के पेट में। सबक सिखाया कैनेडा को, क्या औकात दिखा दी भारत ने? वो हेडलाइन वाले आजकल कहां है वो एंकर, वो पाठशाला लेने वाला सिन्हा कहां है आज? बड़ा कैनेडा को लड़ता रहा हूं। आज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने स्टैंड लिया तो आज कहां गया? आज क्यों थोड़ी गायब हो चैनल से? कहते हैं पत्रकार है, पत्रकार के नाम पे धब्बे हैं। उन्हें सिर्फ, मैंने हमेशा कहता हूं, ये जो जो हमारा सरकार है ये कव्वालों की टोली है, दो गाते हैं बाकी ताली बजाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देशनीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वांखेड़े में। विस्तारित चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद है अशोक वांखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे बात हो रही थी रमेश भिदुड़ी की, विपक्ष ने ये सवाल उठाया, इसमें महुआ मैत्रा है, प्रियंका चतुर्वेदी है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनका कहना है कि ओम बिड़ला हमेशा, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला अक्सर सदन के भीतर कहते हैं कि डेकोरम मेंटेन करो, लेकिन सदन में रमेश भिदुड़ी ने जो किया उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, कहा कि ठीक है एक तरह से इस बार के लिए चलिए आपको माफ़ कर देते हैं, अगले बार आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यही चीज़ कभी संजय सिंह, राघव चड्ढा या किसी विपक्षी सांसदों के लिए नहीं किया जाता, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या ये पक्षपात है? बिल्कुल बिल्कुल, एक नया इतिहास फिर बिड़ला जी ने लिखा है। बिरला जी भी काले अध्याय के रूप में जाएंगे जब पार्लियामेंट का इतिहास कोई लिखेगा, तो इनका कार्यकाल एक काला इतिहास माना जाएगा। संजय सिंह ने क्या गुनाह किया? मणिपुर पे चर्चा चाहते थे, आपकी बात नहीं सुनी तो वेल में जाके उन्होंने चर्चा ही मांगी। अब शब्द तो नहीं कहे थे लेकिन उसका निष्कासन होता है। अधीर रंजन चौधरी ने कोई शब्द कहे तुरंत निष्कासन हो जाता है। आज मैं जोशी जी को पूछूंगा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को, आज वो खड़े होकर क्यों नहीं कहते सदन में, जैसा अधीर रंजन चौधरी के मामले में उन्होंने बोला, क्यों नहीं कहते कि विधुरी का निष्कासन होना चाहिए। ये कल्चर है, ये विधुरी नहीं है। विधुरी के ये शब्द इस देश के तमाम मुसलमानों को संदेश है कि पार्लियामेंट के अंदर भी पटल पर भी मुस्लिम नेताओं के साथ हम क्या व्यवहार कर सकते हैं और हमारा कुछ भी कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। आप समझ जाइए मुस्लिम मतदाता, आपको औकात में रहना है, ये समझ है। हो सकता है विधुड़ी कल मंत्री बन जाए, क्वालिफिकेशन है। अनुराग ने कहा गोली मारो सालों को, अनुराग जी मंत्री बन गए। एक बिहार के चुनाव में एक मंत्री को इलेक्शन कमीशन ने बैन किया प्रचार करने से, इतने वाहियात बातें करते थे, वो मंत्री बन गए। तो बीजेपी में एक क्वालिफिकेशन है। विधुड़ी सोच रहे होंगे बेचारे एक मंत्री कब बनूंगा, तो उन्होंने भी आज मंत्री बनने का एक क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया, एक तगमा लगा दिया। ये पार्टी की सोच है 2014 के बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसको कैसा सोचता है, क्योंकि स्वयंसेवक संघ के विचारों से मैं भले ही इत्तेफाक नहीं रखता लेकिन डिसिप्लिन और संस्कृति ये दो शब्द वो साथ में लेके चलते हैं। यदि संघ भी आज चुप है तो फिर क्या संघ के शाखा में भी हम माने कि विधुड़ी का लेक्चरर बन के जाएंगे और गालियां कैसे दी जाती है ये समझाएंगे? क्या जिस देश के प्रधान सेवक जो हैं उनका ही एक एंटी माइनॉरिटी एंटी मुस्लिम एक अगर चेहरा रहे तो शायद जाहिर सी बात है कि जितने भी नेता मंत्री होंगे उन्हें संरक्षण मिलेगा सरकार से? वही होता है, तो वही शक हो रहा है। हमारे यहाँ करीब करीब मेरे हिसाब से, मैं गलत नहीं हूँ, तो 23% से ज़्यादा मंत्रिमंडल में लोग दागी है, क्रिमिनल केसेस वाले हैं। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने तो रोंदी दिया किसानों को, तो मालूम ही है आपको। ऐसे कई किस्से हैं। प्रधानमंत्री बहुत देवी माँ की पूजा करते हैं, नवरात्र में निर्जल व्रत करते हैं, उनकी आस्था पे मैं सवाल नहीं उठाता, प्रधानमंत्री है मेरे देश के। लेकिन यदि वो मातृशक्ति स्त्री शक्ति के लिए इतने समर्पित है तो फिर वो चुनाव प्रचार में किसी के पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके कैसे बोल सकते हैं? ये मुझे भ्रमित करता है।
एक तरफ देवी माँ की पूजा, एक तरफ माँ के प्रति आपका समर्पण, और दूसरे प्रति 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना, मणिपुर के कांड के ऊपर चुप्पी साधे रहना, हमारे देश की होनहार मेरी बहनें, हमारी बेटियां, कुश्ती के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल पाके पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, उनका शारीरिक शोषण होता है और एक आपका सांसद गुंडा है जो करता है, आप चुप्पी क्यों साधे हैं? और उनके सामने ही ये बिल पास भी होता है। उनके सामने ही बिल पास होता है, उसके बाद वो जब आक्रोश करती है तो आप ही की पुलिस, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, FIR दर्ज नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ता है FIR दर्ज करो, तब आप चुप्पी साधे रहते हैं। वो महिलाएं जब आक्रोश करती है तो आपकी पुलिस उनको अपने जूते के नीचे रगड़ती है, ये मैं मुहावरा नहीं बोल रहा हूं, उस कुश्ती खिलाड़ी के चेहरे पे जूता रख के उसको मारा गया पुलिस द्वारा। तो फिर क्या माने, मैं तो संभ्रमित हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि अपने माँ के प्रति समर्पित, माँ के संघर्ष को बताते समय आंखों से छलकते हुए आंसू, उस 9 दिन का निर्जल व्रत, वो स्त्री शक्ति का आराधक है कि ये 2-3 जो इंसिडेंट्स मैंने बोले उस पर चुप्पी साधने वाला, स्त्रियों की प्रति घृणा करने वाला इंसान है, ये संभ्रम मुझे है। मैं जनता पे छोड़ता हूँ कि जनता इसमें से सोचे कि वाकई हमारे प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो उनकी विदेश नीति भी आज खुल करके, या एक तरह से उसकी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल गई है। G20 के बीच हमने देखा किस तरह से मोदी जी का महिमा मंडन हुआ, G20 में मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बजा, इसका प्रचार प्रसार हुआ, हर जगह पर G20 के लोगों से ज़्यादा मोदी जी की फोटो देखी गई। G20 में शामिल हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक मुद्दे पर मोदी जी से बात की। कनाडाई प्रधानमंत्री का कहना है कि मोदी जी पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठे रहे इस मुद्दे पर, कि वहाँ पर तथाकथित एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या होती है, जिस पर मोदी जी के सामने जस्टिन ट्रूडो ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मोदी सरकार या पूरा अगर विदेश मंत्रालय देखा जाए इस पर वो चुप्पी साध कर बैठे थे, और इस रिपोर्ट को ही उन्होंने खारिज कर दिया कि इसके पीछे भारतीय सरकार नहीं है, भारतीय एजेंट नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि इंडिया और कनाडा के बीच परिस्थिति क्या हो गई, डिप्लोमेट्स को निकाले जा रहे, वीज़ा रद्द की जा रही है, और तमाम तरह से जो है भारत को अलग थलग करके हर कोई, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं ना कहीं कनाडा जो अभी जांच चला रहा है उसके समर्थन में उतर चुका है। क्या इसके पीछे इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय की है, इस जयशंकर की है, डोवाल की है, और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई? G20 की बात करें तो जो महिमा मंडन हुआ, मुझे लगता है G20 का आयोजन इस देश की जनता को सामने रख के किया गया था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कोई अचीवमेंट नहीं है। 18वां G20 यहाँ हुआ, 17वां G20 इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में इंडोनेशियन जो होस्ट थे गवर्नमेंट, वो लगातार कर रही थी G20 को कि हमारा ये आर्थिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात नहीं करें। तब भारत अति उत्साही होकर यूक्रेन और रशिया के युद्ध को मध्यस्थी करने पहुँचा, और वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जिक्र करने से वहाँ पर सर्वसम्मति नहीं हुई और वो अधिवेशन फेल हुआ। उसके बाद 18वां अधिवेशन हमारे यहां हुआ। हमारे यहां अधिवेशन होने के बाद प्रधानमंत्री पूरे देश को यह बता रहे हैं कि वो इतने महान हैं कि उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए। प्रधानमंत्री यह नहीं बता रहे हैं कि जो गलतियां उन्होंने इंडोनेशिया में की वो दिल्ली में सुधार ली। चाइना और रशिया के कोई दोनों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, उन्होंने एक सेकेंडरी डेलीगेशन भेजा, लेकिन वो लोग नहीं आते हुए भी उन्होंने प्रस्ताव वही पारित करवाया जो चाइना और रशिया चाहते थे। फिर भारत सरकार ने कहा कि यह आर्थिक मंच है, इसमें राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। यह अकल आपको तब नहीं आई थी जब इंडोनेशिया कह रहा था? जो आपने इंडोनेशिया में यूक्रेन और रशिया के बारे में बोला, युद्ध के बारे में, अपने भूमि पर क्यों डर गए? क्यों नहीं बोला? क्योंकि रशिया और चाइना से डर गया। आपने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के लिए रशिया और चाइना के सामने घुटने टेके। अब बात है कनाडा की। अक्सर कई देश अपने देश के आतंकवादी दूसरे देश में जाते हैं तो ये ऑपरेशन करते हैं, नई बात नहीं है। भारत ने गलत किया ये भी नहीं मैं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी के आसपास बैठे हुए लोग और उनका गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को एक दिन बर्बाद कर देगा, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूं। डिप्लोमेटिक लेवल पे
उनके प्रेसिडेंट टुडा साहब आ गए, उनने कहा कि आपके लोगों ने हमारे यहाँ हत्या की, हमारे नागरिक की, सरकार ने मना किया, बात खत्म हो गई थी। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनने कहा कि भाई मैंने तो भारत के प्रधानमंत्री से उठाया ये इशू, भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि उनने इशू उठाया था, हमने मना कर दिया, मामला खत्म हो गया था, खत्म हो गया था मामला। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो तो पेपर टू पेपर वर्क चलता है, डिप्लोमेटिक बात चलती है। उन्होंने एक आदमी को निकाल दिया, हमने एक आदमी को निकाल दिया। ये जो गोदी मीडिया है, इन्होंने फिर चालू हो गया हेडलाइंस बनाना, कैनेडा को घर के घुस के मारा, ट्रूडो की फजीहत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रूडो को, अब कैनेडा के दो टुकड़े होंगे, हिंदुओं को खलिस्तान ने वार्निंग देने के बाद डोवाल, शाह और अमित और मोदी जी ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ये तीनों निकल गए हैं मोटरसाइकिल पर बैठ के और जाके ठोक के आएंगे अंदर, दन 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 दन। देखिए फिल्म देख रहे हो आप, इनके इस वाचाल गिरी से, जरूरत से ज्यादा चरण धोके पीने से पूरा मामला बिगड़ गया। व्हाइट हाउस का प्रवक्ता आके बोलना पड़ा कि जो इंडियन मीडिया में बकवास चल रहा है वैसा कुछ नहीं है, हम कनाडा के साथ खड़े हैं, हमने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि कनाडा के इन्वेस्टिगेशन में आप साथ दीजिएगा, किसी के भी जमीन पे उसके नागरिक की हत्या करना गलत है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री को बोलना पड़ा कि ये जो इंडिया का मीडिया बकरा है ये बिल्कुल गलत है, फ्रॉड लोग है ये, हम कनाडा के साथ है, कनाडा के साथ भारत सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। हो गया मामला गड़बड़। पांच देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका। इन पांच देशों का एक संगठन है जो इंटेलिजेंस, एंटी टेरर, एंटी ड्रग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो पांच का ग्रुप में क्यों टकराव होगा भारत के लिए, सोचने का विचार है। कनाडा का और अमेरिका का डीएनए एक है, क्यों कनाडा से पंगा झगड़ा करेगा, कनाडा को प्रोटेक्ट करेगा या झगड़ा करेगा अमेरिका? क्या अमेरिका भारत से डरता है? अमेरिका ने तो भारत की यह स्थिति बना दी है कि चाइना के सामने अब भारत को रख के शेर का शिकार वो करना चाहते हैं और सामने बकरी बन के भारत को बना दिया है। कल शेर ने शिकार हो गया तो शेर का शिकार, नहीं तो बकरी को तो जाना ही है शेर के पेट में। जो पाकिस्तान का हश्र किया रशिया के खिलाफ खड़ा करके अफगानिस्तान में, वही हश्र वही भारत का करने जा रहे हैं। जिस अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस इतना बढ़िया था, हमारा निर्यात ज़्यादा था और आयात कम था, हम प्लस में थे, आज हम माइनस में चले गए। हमारा निर्यात बढ़ गया क्योंकि उन्होंने दे आर्म्स, दे डिफेंस की सप्लाई अमेरिका ने बढ़ा दी। क्या इतने सालों तक अमेरिका से सप्लाई नहीं आ रही थी तो क्या भारत ने युद्ध नहीं जीते? चाइना का डर अमेरिका को दिखा रहा है, भारत को सामान दे रहा है, भारत को पैसा ले रहा है भारत से, और भारत महिमा मंडन हो रहा है कि हमको व्हाइट हाउस में खाना खिलाया। अरे भाई वो थाली कितनी महंगी पड़ रही है पता है तुम्हें? ये क्या करे, ये गोदी मीडिया चुप रहता तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे हो जाता। अमेरिकन सरकार लेटर पत्र भेजती, कनाडा पत्र भेजती, अंदर के अंदर बात हो जाती, कनाडा के साथ सब है, भारत के साथ कोई नहीं, ये दिखता भी नहीं। लेकिन गोदी मीडिया ने इतना प्रचार किया, और अब डिजिटल वर्ल्ड है, अमेरिका में भी लोग देखते हैं, तो उनको लगा अमेरिका ने, वहाँ के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया या कनाडा में घुस के मारा बोलते हैं। मोजा जो इसराइल की एजेंसी है वो कई जगह ऐसे चीज़ों को अंजाम देती है, कई किलिंग करती है, लेकिन जब उनको पूछो तो वो बोलते कि काम ने तो किया ही नहीं, हमारी तो एजेंसी नहीं है ऐसी कोई। वो देश के लिए करती है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं करती। अरे आपने किया भी होगा उस आतंकवादी का तो बोलने की जरूरत है? वो कनाडा का नागरिक था, वहां तो वो आतंकी नहीं था। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? और बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। ये जो डोवाल साहब है जो बताते हैं कि बहुत बड़े जासूस रहे, ये है, ये कैसे एक्सपोज हो गया? ये लिंक कैसे मिले हमारे अधिकारियों तक? कैसे आए, कैसे होने दिए? इसके पहले क्या रवानी ऑपरेशन नहीं किए? ये फेलियर है, यदि हम पकड़े जाते हैं तो अटल फेलियर है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की ये जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई भी आके भारत को लाल आंख दिखा देता है, मानवाधिकार का सबक सिखाता है और उसके बाद हम कहते हैं कि
वो डर गया हमसे। वाह गजब, चाइना लाल आंखों से पीछे चला जाएगा, चाइना जमीन दबा के बैठा है। कितना मतलब आप वस्तुस्थिति देश से कब तक छुपाओगे? सच्चाई कभी छुपती नहीं, एक ना एक दिन बाहर आती है। जब सच्चाई आती है तो झूठ बोलने वाले मुंह छुपाते हुए घूमते हैं। लेकिन अब इतनी मोटी गेंडी की चमड़ी हो गई है, 10 बार बताने के बाद भी अब वो जो रोज बोल रहे थे कि गंदर घुस के मारा, सबक सिखाया कनाडा को, कनाडा को औकात दिखा दी भारत ने, वो हेडलाइन वाले आजकल कहाँ हैं? वो एंकर, वो पाठशाला लेने वाला सिन्हा कहाँ है आज? बड़ा कनाडा को लड़का रहा था वो। आज जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने स्टैंड लिया तो आज कहाँ गया? आज क्यों स्टोरी गायब है चैनल से? कहते हम पत्रकार हैं, पत्रकार के नाम पे धब्बे हैं ये। यदि ये पत्रकार है तो भगवान करे हमें पत्रकार ना बोले कोई। आपसे आखिरी सवाल इस पर रहेगी कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पर स्टैंड लिया, विधानसभा के अध्यक्ष को अल्टीमेटम दे दिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर फैसला लीजिए। क्या महाराष्ट्र की राजनीति को आप सबसे करीब से देखे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त क्या कह रही है? और दूसरी बात, क्या महाराष्ट्र में असेंबली भंग हो सकती है? नहीं, असेंबली भंग नहीं होगी। महाराष्ट्र को उन्होंने कहा कि हम 2 सप्ताह बाद हियरिंग करेंगे और स्पीकर को हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं। स्पीकर महोदय दिल्ली आए हुए थे, वो विभिन्न बड़े बड़े वकीलों से बात कर रहे थे कि इसमें क्या कानून निकलता है। कल ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई भी हो गए तो भी इतना पर्याप्त समर्थन है सरकार के पास कि इन 16 लोगों के जाने से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, मतलब सरकार गिरेगी नहीं। दूसरी बात, यदि ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो फिर शिवसेना फिर संविधान पीठ के सामने आएगी, फिर लीगल बैटल चलेगा, तब तक समय हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप क्रिमिनल नहीं हैं जो आपको सजा हो गई, आपने गलती की जिसकी वजह से आपकी अध्यक्षता गई, आपकी मेंबरशिप गई, तो आप तुरंत चुनाव लड़ने के लिए बाई इलेक्शन में जा भी सकते हैं। ऐसे में यदि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफा हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद, तो तुरंत आधे घंटे के बाद वो फिर शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की और 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन लड़के फिर आ सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन होने से एक परसेप्शन जरूर बनेगा जनता के बीच में कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जो मीडिया भी कह रहा था, हमारे जैसे लोग भी कह रहे थे, शिवसेना भी कह रही थी, महाविकास आघाड़ी कह रही थी, और ये कह रहे थे कि नहीं, हमने जो किया वो कानूनन है, वो गैरकानूनी साबित हो गया। इसके लिए चुनाव में जब जाएंगे ये विधानसभा के, तब इनके पास चेहरा नहीं होगा बताने के लिए, ये हो सकता है। लेकिन सरकार को कोई मुझे धोखा नहीं दिखता, क्योंकि एनसीपी के भी 40 साथ आ गए हैं, तो 16 जाने से कोई 40 के 40 भी डिस्क्वालीफाई हो गए तो भी ये 40 बचे हुए हैं। और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अजीत दादा को उप मुख्यमंत्री करके ही बीजेपी फंस गई है, उनको मुख्यमंत्री वो करेगी नहीं, और देवेंद्र फडणवीस को वो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे दिल्ली वाले। वजह क्या है? देवेंद्र फडणवीस की और अमित शाह की नहीं पटती। लेकिन इतने समय तो रहे हैं, रहे वो तब ब्लू वाइट बॉय हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी के, अब उनको मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया और उन्होंने पूरे बीजेपी की 12 बजा दी। आज यदि बीजेपी सबसे बुरे वक्त में है, दौर में है महाराष्ट्र में, तो उसका पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। एक सवाल यह भी है, क्योंकि सामने 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर के कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। उनका गौरव गोगोई से मुलाकात एयरपोर्ट पर, और उसके बाद कई तस्वीर सामने आ रही है राजस्थान के CM के साथ। क्या वसुंधरा राजे कोई खेल खेल सकती है? वसुंधरा जी अलग राजनीतिक दल नहीं बनाएंगी, वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगी, लेकिन अपने आंखों के सामने लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का पानीपत होते हुए देखेगी, उसकी दर्शक रहेगी, उसकी गवाह रहेगी। और ना कांग्रेस में शामिल होंगी और ना ही अपना पार्टी बनाएंगी? अपनी पार्टी नहीं बनाएगी, कांग्रेस में नहीं होगी, वो दिल्ली के लोगों को दिखा देगी वसुंधरा क्या है, और पार्टी में रह के ही वो व्यवस्था करेगी पार्टी लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में पार्टी की बुरी हार हो, क्योंकि वसुंधरा का अपमान मतदाता कैसा लेते हैं ये वसुंधरा उन्हीं के साथ बैठ के बताएगी। लेकिन वो इतना कद्दावर नेत्री रही, और उस समय में जब मोदी जी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे सब सेम पेज पर थे वसुंधरा को बहुत। यही प्रॉब्लम है, कोई भी आदमी अपने साथ कद्दावर आदमी नहीं चाहता, खासकर मोदी जी हमेशा
पिग्मीज की टोली लेके चलते हैं, उनको अपने बराबरी का कोई आदमी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ, मैंने हमेशा कहता हूँ, ये जो मुख्य जो हमारा सरकार है ये कव्वालों की टोली है, दो गाते हैं बाकी ताली बजाते हैं। सुर लगाने वाला येदुरप्पा नहीं चाहिए, रमन सिंह नहीं चाहिए, सोनवाल नहीं चाहिए, सुंदरदास नहीं चाहिए, उमा भारती नहीं चाहिए। वहाँ पे आपके शिवराज सिंह बेचारे कैसे सुर लगा रहे हैं मैं जानता हूँ, बड़े मुश्किल से नाक दबा दबा के रखा है उनका, और वसुंधरा नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर देशनीति के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के वीकेंड विद वानखेड़े एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितना हो सकेगा इस वीडियो को, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और आज़ाद पत्रकारिता को जी तोड़ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम जिंदा नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र को हम जिंदा नहीं रख पाएंगे, सच को जिंदा नहीं रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।